पिपी ने रिटेट करा आपको हटा दो ना आई कैन नॉट रिमूव दिस हेयरपिन ये पुश्तैनी हेयरपिन है तुम्हारी दादी ने मेरी शादी के वक्त मुझे यह हेयरपिन गिफ्ट करी थी दादी जी ने आपको आपकी शादी में दी थी तो मेरी शादी पे आप मुझे ही गिफ्ट करेंगी डीजे प्लीज तुम लगा दो यू डू इट परफेक्टली Thanks, my love. Let's go. Huh? Excuse me. I'll see you, mom. अब देखिए ना, बिना किसी एफर्ट के मुझे ये खिताब मिल गया. Delhi's most influential woman. कोयल का होने वाला हस्बैंड, उसने कोयल की बहुत तारीफ करी. फिर क्या? हमारे लिए विनर डिसाइड करना बहुत सिंपल था. गार्गी, आई जस्ट सॉ यहाँ पर क्या क्या हुआ हम इस भीड़ से दूर कहीं और जाकर आराम से बात करते तुम चलो मेरे साथ ट्रस्ट मी यू विल फील बेटर चलो आओ मेरी युविका वहां अकेली है हाँ मैं कब तक ठीक होऊंगी गार्गी तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर ही मैं समझ गई थी कि पिछले कुछ दिनों से सृष्टि और कोयल जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे हैं ना तुम बहुत अपसेट हो इनफैक्ट सृष्टि के गिफ्ट्स उन्हें देखकर तो मैं समझ गई कि वो तुमसे आगे निकल गए हैं नहीं मतलब अब हमें सबके सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मैं ठीक कह रही हूँ ना हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो अब सब गेस्ट के सामने इतनी एम्बेरस फील कर रही हूँ सृष्टि दिखावे के लिए इतने सारे गिफ्ट ले आई And on top of it, वो कोयल, उसने तो मेरे बालों से मेरी gifted hairpin निकाल ली। I'm so so embarrassed. Engagement का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं इतने कम समय में बड़ी diamond ring कहाँ से लाऊंगी? If you don't mind ना, कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? कौन? Good evening everybody. आज मेरे DJ भैया का engagement है। तो इस खुशी के मौके पर छोटी सी परफॉर्मेंस अपने डीजे भाई को डेडिकेट करना चाहती हूँ ईशा नहीं तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ये मेरा प्रोफेशन है और मैं यही करती हूँ वैसे भी इस घर में मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो एटलीस्ट मैं वो करूं जो मुझे आता है लोगों को एंटरटेन सुभद्रा जी मिसेस महाजन आप यहां प्लीज कम इन All good? कोई बात है? Come on, please, बोलिए ना. गार्गी, don't hesitate. युक्ति is very sweet. तुम्हें जो भी कहना है ना, कह दो. Actually, युक्ति,
मुझे वो बड़ी डायमंड वाली रिंग चाहिए थी भाई। प्लैटिनम है, जानती है ना, प्लैटिनम तो सोने से भी महंगा होता है। और ई है घड़ी, हाँ इसवीस का घड़ी है। ओके वन सेकेंड। मिसेस महाजन, आई टोटली अंडरस्टैंड यू। ये आपकी इज्जत, आपकी आन शान की बात है एंड उसके खातिर आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस दिस अलेक्जेंड्रिया डायमंड। बट यू नो व्हाट, दिस इज द बेस्ट इन माय कलेक्शन। बट एनीवेज, देयर यू गो। स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई थिंक आपको अब जल्दी से पार्टी में जाना चाहिए। यू नो आफ्टर ऑल द पार्टी इज फॉर यू एंड एनी विच वेज मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। यू नो मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। आप अभी बाहर जा रही है? यू विल नॉट कम फॉर अ पार्टी। मिसेस महाजन, आई एम नॉट इन्वाइटेड। सो आई एम इन्वाइटिंग यू, यू आर गोइंग टू बी माई गेस्ट ऑफ ऑनर, यू हैव टू अटेंड। Okay, if you're insisting, okay. Thank you so much. I'll be eagerly waiting for you. Sure. Thanks. अब आएगा मजा। पंडित जी का कहना है कि सगाई का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। मिस मुल्तानी, आप शायद भूल रही हैं, दिग्विजय की सगाई का यह महोत्सव एक पारिवारिक और निजी मसला है जिसमें बाहर वालों का आना वर्जित है। क्यों, यही स्पष्ट कहा था ना आपने कि बिजनेस और परिवार को अलग रखा जाए तो ही बेहतर है। बात यह है कि बिजनेस पार्टनर्स के बीच जो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की जो लाइन होती है ना, मैं उसे क्रॉस नहीं करना चाहती। दिग्विजय की शादी तय हो चुकी है कोयल वर्मा के साथ और हम भी आपको उसमें आमंत्रित नहीं करेंगे। दादा बाबू, युक्ति मुल्तानी मेरी स्पेशल गेस्ट है। आइए, लेट्स स्टार्ट द एंगेजमेंट। आइए एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ प्लैटिनम है, जानती है ना, प्लैटिनम तो सोने से भी महंगा होता है। सृष्टि जी, इस रिंग में जो आप डायमंड देख रही है ना, वो तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही सुना होगा। ये एक्चुअली आम मार्केट में मिलता नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोग ट्राई करते हैं इसे खरीदने के लिए, उन्हें भी नहीं मिलता। आपकी बेटी कोयल के लिए माई चॉइस, the most beautiful diamond of the world. चलिए चलिए शुरू करते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। कोयलिया, इले चल पहना दे डीजे बबुआ को।
दादा बाबू, मैंने डॉक्यूमेंट्स और लगेज गाड़ी में रखवा दिया है और 9 बज गए हैं। ठीक है, जीते रहो बेटा, गॉड ब्लेस। हेलो एवरीवन, मैं आप सब लोगों के साथ एक जरूरी न्यूज शेयर करना चाहता हूं। हमारे करीबी रिश्तेदार जो यूएस में रहते हैं, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे उन्हें मिलने यूएस जाना होगा। ये दादा बाबू अचानक यूएस क्यों जा रहे हैं? कहीं इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? अभी तक मैं इनसे ओवरसीज अकाउंट की डिटेल्स भी हासिल नहीं कर पाया हूं और ये अचानक यूएस, उनके दिमाग में चल क्या रहा है? किसी जमाने में उनके काफी एहसान रहे हैं हम महाजन्स पर, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मिस मुल्तानी, दिग्विजय, मेरी बेग साहब से बात हो चुकी है, वो भी यही चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप दोनों मिलकर लीड करें, और उस दिन एकता का जो भाव आप दोनों ने दिखाया था, उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मिस मुल्तानी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंटेशन मेरे सामने पेश करेंगे ताकि मैं एक फेयर डिसीजन ले सकूं। लेकिन दादा बाबू, आपके ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिन्हें हम नहीं जानते? बेटे, तुम नहीं जानते, ये मेरे माताजी के परिवार से हैं। दादा बाबू, आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं? नहीं धनराज, तुम यहीं रहो। मेरे यकीन मानो, महाजन परिवार को तुम्हारी सख्त जरूरत है। धनराज, जो निराश होकर हमेशा पीछे मत रहा करो, मेरे बाद तुम ही घर के सबसे बड़े हो। मेरा यकीन मानो धनराज, मैंने तुम पर कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा, मुझे आज भी तुमसे उम्मीद है। थैंक गॉड, अब इस योजे की चिंता मुझे नहीं करनी पड़ेगी। कुछ टाइम के लिए कुछ तो रिलीफ मिलेगा मुझे। बेबी योजे, यू बी हैप्पी विद योर नैनीज। चलो, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। आइए दादा बाबू। मिस मुल्तानी, मेरी एक बात गांठ बांध लो, भले ही मैं यहां पर नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी नजरें हमेशा आप पे गड़ी रहेंगी। जितना सिंपल दिख रहा उतना है नहीं। ये दादा बाबू का अचानक यूएसए जाना और ये मिस मुल्तानी, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर है। सारे गेस्ट हमें देख रहे हैं। डोंट मेक अ सीन। हम दादा बाबू यूएस जा रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू, मेरी एंगेजमेंट यहाँ बीच पे छोड़ के। आपको नहीं लगता मैटर थोड़ा सस्पिशियस है? हाँ, एज पर द क्लॉज, महाजन ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरी चेयरमैनशिप में इंडिया में नंबर 1 रैंक्ड कंपनी होनी चाहिए, तभी मैं
दादा बाबू के साथ उन एक्सेस कोड्स को यूज कर पाऊंगा। एक्चुअली सरप्राइज तो मैं भी हूँ, कहीं ये ओवरसीज अकाउंट का मैटर तो नहीं है? अरे दोनों मतारी और बेटा का खुशपुसिया रे कोने माँ। नहीं नहीं मम्मी जी, नथिंग इम्पोर्टेंट। अच्छा नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं। तुम और आप डीजे बाबू अगर कहीं फंस गए ना तो अंत में हमारे पास ही आना पड़ेगा। हाँ याद है ना गार्गी जी, जेल से तो हम ही छुड़वाएंगे ना आपको। अरे डीजे बाबू आज के फंक्शन के हीरो और हीरोइन ही तुम और कोयल लिया है कि नहीं? तो वहाँ देखो देखो गेस्ट लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा, सेल्फी वेल्फी खिंचवाओ जाके वहाँ। गार्गी जी आपके बेटे को ना हम थोड़ी देर के लिए लेके जाते हैं साथ में, सेल्फी खिंचा के और वापस लाके दे देंगे, ठीक है ना? अरे मुंह काहे लटका रही है? हाँ देखिए वहाँ बार है, दो चार टिका लीजिए, फिर हम दोनों भी ना मस्ती वाली फोटो खिंचवा लेंगे ऐसी। वो का बोलते अभी पाउटवा आप नाराज है का? ठीक है बाद में कर लेंगे। हाँ कोई बात नहीं। अरे डीजे बबुआ सॉरी मैम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी दादा बाबू यूएस जाने वाले हैं। आई मीन अभी तो वो आए थे, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ इस ट्रिप के पीछे मोटिव क्या है उनका। ऑनेस्टली रोज मैं खुद इतना क्लूलेस हूँ ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दादा बाबू इतने अर्जेंटली यूएस जा क्यों रहे हैं, और उसके पीछे का जो रीजन उन्होंने बताया है वो सही भी है या नहीं। बट एनीवेज रोज उसके बारे में मिस्टर मुल्तानी से पता लगाती हूँ, फिलहाल यहाँ जो चल रहा है उस पे फोकस। करते हैं बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू गॉट इट रोज? यस मैम। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज एवरीवन। मैं एक्चुअली हम दोनों आप सबको बस थैंक यू कहना चाहते थे कि हमारी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट दिन पे आप सब हमारे साथ हैं हमारी एंगेजमेंट के लिए। थैंक यू। सो प्लीज कम जॉइन अस फॉर द केक कटिंग सेरेमनी। जोड़ियां हेवन में बनती है ये तो सच बात है। लुक एट यू डीजे एंड कोयल, सच अ क्यूट कपल। Made for each other. Partner, फिर से समय हो गया है आपकी कला प्रदर्शन का। Come on. Sure. Why not? वैसे भी ये सब करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। और क्यों मजा ना आए? मेरा बैंक अकाउंट भी तो मोटा होता जा रहा है। सिया तो बेटी किसकी है? हाँ पूरी तरह से हमरी पड़ी है। एक कोयलिया आज ना तेरी नजर उतारी की पड़ी, पता नहीं किसका नजर लग जाए। हाँ पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कोयल बिल्कुल तुम्हें ही कॉपी कर रहे हैं, तुम्हारी स्टाइल तुम्हारा ही पोज। लेकिन आई मस्ट से उसमें कुछ बात तो है। देखो किस तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, किस तरह अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही है। मैं ठीक कह रही हूँ ना गार्गी? नहीं इतना स्टाइल मार रही है, सोचती हूँ कोयल का थोड़ा मजा मैं भी ले ही लूँ। नेकी और पूछ पूछ दीदी, अगर मजे लेने जाती हो तो जाओ, डू इट नाउ। अरे 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 रुको 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 रुको, मैं डीजे की बुआ हूं, पहले मैं खाऊंगी।
हुआ कोयल को अरे कोयल को हिलाते रहना पहले मुझे मेरे को पहले मुझे हुआ कोयल मैं क्या कह रही हूँ ना हुआ मेरी बात नहीं भाई ऐसा नहीं होता ये केक मैं ही कोयल ही ओपन है अरे तेरी की अब मेरे अगले वार की बारी है डीजे और ये मेरा तोहफा होगा तुम्हारी एंगेजमेंट पर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़